दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 29.2 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 54.4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 9.20 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा की। मंगलवार सुबह अपने नए अपडेट में यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने बताया कि वर्तमान वैश्विक मामले, मरने वालों की संख्या, टीकाकरण की कुल संख्या क्रमशः बढ़कर 29,23,94,85, 54,48,758 और 9,20,91,3,42 हो गई है। सीएसएससी के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा मामलों और मौतों में क्रमशः 5,61,50,558 और 8,27,726 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। कोरोना मामलों में भारत दूसरा सबसे प्रभावित देश है। यहाँ कोरोना के 3,49,22,882 मामले हैं और यहाँ पर 4,81,893 मौतें हो चुकी है। इसके बाद ब्राजील में 2,22,97,427 मामले हैं, 6,19,401 लोगों की मौत ब्राजील में हुई है। 50 लाख से ज्यादा मामलों वाले देश, सीएसएससी के आंकड़ों के अनुसार 50 लाख से ज्यादा मामलों वाले अन्य सबसे प्रभावित देश में यूके 1,34,97,234, फ्रांस 1,04,22,830, रूस 1,03,74,292, तुर्की 95,99,640, जर्मनी 72,35,208, इटली 63,96,110, स्पेन 62,94,745, ईरान 61,98,590, अर्जेंटीना 57,39,326 और कोलंबिया 51,91,021 है। जिन देशों ने 1 लाख से ज्यादा मौतों का आंकड़ा पार किया उनमें रूस 3,05,096, मेक्सिको 2,99,544, पेरू 2,02,782, यूके 1,49,366, इंडोनेशिया 1,44,102, इटली 1,37,786, ईरान 1,31,702, कोलंबिया 1,30,061, फ्रांस 1,25,200, अर्जेंटीना 1,17,245, जर्मनी 1,12,332 और यूक्रेन 1,02,558 के साथ शामिल है। कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।